हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे अनदर शॉर्ट्स ब्लॉग में। और मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ और हम लोग निकल गए हैं मूवी देखने के लिए। तो जो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो है दी केरला स्टोरी। और बहुत दूर है यहाँ से, हमारे घर के जितने भी लोकल है वहाँ पर ये मूवी नहीं लगाया गया है। 1 घंटा का डिस्टेंस पर लगा गया है, तो हम लोग इतने कष्ट करके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं। क्रेज देख रहे हैं हम लोग का, इतना दूर, लगभग 1 से 1.5 घंटा से थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही। तो हम लोग आए हैं सिर्फ दी केरला स्टोरी देखने के लिए। ओह माय गॉड, लिटरली उसको कहते हैं सुपर क्रेज, है ना। कुछ देर वेट करती थी, OTT पे आ ही जाता, बट हम लोग से वेट ही नहीं हुआ। और देख सकते हैं एक खोज खाज की हम लोग हॉल निकाले जहाँ पर ये मूवी लगा हुआ है दी केरला स्टोरी। और इतने बेवकूफ़ पे यहाँ पर लिफ्ट था, बट हम लोग चल चल के फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे था। तो देख रहे हैं हम लोग चल चल के जा रहे हैं लिफ्ट देख ही रहे। और वहाँ जाने के बाद पता चला एक रूम में इन लोगों ने हॉल बना दिया है, बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया, जो कि बहुत ही यूनिक था देखने के लिए। देख सकते हैं सब लोग इस तरह बैठे हैं और सामने में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और फुल्ली AC है। और ये रहा हमारा, मूवी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैं पूरा आपको नहीं दिखाई हूँ, तो मूवी ख़त्म हो गया। और इस मूवी के बारे में मैं क्या बोलना चाहती हूँ सुन लीजिए आप। बहुत ही धांसू मूवी था, क्या बोलना चाहेंगे? हर किसी को देखना चाहिए, बहुत अच्छा मूवी था सच में। मतलब अगर आपके नियर बाय में लगा हुआ है तो आप एक बार जरूर जाके देखें, तो सबको जाके देखना चाहिए। और आप लोग जरूर से जरूर जाके देखिएगा, और अगर देख लिए तो कमेंट में बताइएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और जा रहे हैं हम लोग मीरा। बिन मौसम बरसात हो गया, मतलब इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम किया था, लेकिन फिर बारिश हो गया। लेकिन मुझे लगा कि जा मेरा तो मेला मिस हो गया, इतना बारिश में कौन ही जाएगा, लेकिन आधा ही रास्ता में मेला लगा था। इधर आप देख सकते हैं, इधर बारिश का बॉ भी नहीं आया है। तो ये रहा हमारा मेला, और मेला का जो है आज लास्ट डे है, मतलब मैं जिस दिन जा रही हूँ, एंड यहाँ हम लोग एंटर कर गए हैं। एंड मेला का पता है क्या अच्छा लगता है, बस जो जो सामान लेकर आते हैं ना, मुझे देखने में अच्छा लगता है, खरीदने से भी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे देखने में कि क्या क्या है, क्या क्या मिल रहा है, किस टाइप का मिल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं कितना टाइप्स ऑफ वेराइटी सैंडल्स स्लीपर्स है, बहुत सुंदर सुंदर, और कपलेट भी बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलता है। साथ में कुछ कुछ चीज़ ली मैं जो जो मुझे घर का यूज़ लगा था। देन यहाँ पर हम लोग फुचका खाए, उसके बाद मैं यहाँ पे पोटैटो चिप्स क्रिप्सी, पता नहीं इसको क्या बोलते, जो भी बहुत टेस्टी यम्मी था, मज़ा आया। तो ये वाला भी हम लोग खाए, देख सकते हैं देखने में भी यम्मी दिख रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सवारी करते हैं, जो कि मैंने मिस्टर को बोला कि बस नीचे से ही घुमाएगा, और इनको देखिए मैं बैठा दी। लेकिन जैसे ही बैठने के बाद ये धीरे 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर ऊपर लेते आया, और ये बोल रहे इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो थोड़ा सा अजीब हो गया था, लेकिन जो मज़ा आया भाई साहब, ये देखो आप, ये जो घूमना स्टार्ट हुआ ना, मतलब वो हमको लग रहा है ज़्यादा देर का नहीं रहता, लेकिन गजब का मज़ा आता है। मुझे झूला में बैठना बहुत पसंद है, बट इनको नहीं, बट ये मेरे लिए बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी हम लोग बटाटा पूरी खाए, एंड उसके बाद ये देखो इस पर भी मन कर रहा था मुझे नागरतोला पे बैठने का, बट इस पर नहीं बैठे क्योंकि इस पर लाइट लगा रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन नहीं लगा तो खैर कोई बात नहीं। थोड़ा देर घूमी फिर यहाँ से हम लोग निकल दिए, और थोड़ा रास्ते में जाते जाते हम पड़ गया सिटी सेंटर, तो मैं सोची रुको यहाँ पर भी एक बार घूम ही आती हूँ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर किए तो कुछ देखने को मिला, ये देखो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद हम लोग खाना पीना खाए और घर चले गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।